मेजर फेस्टिवल से नहीं होती, जैसे कोविड के ऊपर चर्चा है या कोविड के बाद कैसे माइग्रेशन हुई उस पर चर्चा है या लाइवलीहुड्स कैसे इफेक्ट हुए, इन सब बातों पर चर्चा, ये सब चीज़ें हमारा ही लिटरेचर फेस्टिवल जो इन चीज़ों को भी साथ जोड़ता है, कल लॉन्च होने वाला है और इसकी पुस्तक है, जो वर्चुअल वैल्यू ऑफ वर्ड्स का कार्यक्रम है ये 9 बजे सुबह 20 तारीख को शुरू होगा और इसमें जो खासियत यही है कि लॉग ऑन करके दुनिया के हर देश के हर यूनिवर्सिटी के हर एवरीबॉडी कैन ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म, तो यही है कि इसकी खासियत रहेगी। आगे वही इसको देख पाते थे जो देहरादून में या मसूरी में होते थे, अब हर आदमी इसको देख पाएगा, सब कुछ वर्चुअल होगा। आई वुड से 95% वर्चुअल होगा, कुछ एक सेशंस जिसमें सब लोग ही देहरादून या मसूरी से हैं, वो 3-4 सेशंस ऐसे हैं, जो डिबेट्स हैं वो भी लाइव हैं, मतलब वर्चुअली इन द सेंस कि जो जजेस हैं वो यहाँ बैठे होंगे लेकिन जो स्पीकर्स हैं वो तो अपनी अपनी जगह पे हैं, तो वर्चुअली है, इसको हम सही मायने में कह सकते हैं कि ये वर्चुअल फेस्टिवल ही है। नहीं, कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए हर साल जो लिटरेचर फेस्टिवल होता था वो फिज़िकल होता था, उसमें ऑथर्स आते थे, किताबें आती थी, एग्जीबिशन लगती थी, लोग एक दूसरे से वार्तालाप करते थे, अब कोविड की वजह से ये सब संभव नहीं है, फिज़िकल डिस्टेंसिंग भी करनी है और ट्रैवल में बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, और ये भी नहीं पता था कि मतलब आज से 2 महीने पहले ये भी नहीं पता था ना कि मतलब सैटरडे संडे को हो सकता है आदेश आ जाए कि आप मिल ही नहीं सकते, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज से करीब 3 महीने पहले ये निर्णय लिया हमने कि इस पूरे फेस्टिवल को हम वर्चुअल मोड में ले जाएं। कुछ खास क्या होगा सर इसमें? इसमें खास देखिए जो नॉर्मली तो होता है, जो तो होता ही है, इसमें कुछ चीज़ें खास ये हैं कि आप अगर कोई सेशन मिस कर जाते हैं तो आप बाद में फिर देख सकते हैं, हर चीज़ रिकॉर्डेड है। एक अच्छी चीज़ ये है कि हर सेशन के बाद जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है वो आप चैट बॉक्स में कोई भी आदमी कोई भी व्यक्ति चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्योंकि प्रश्न ज़्यादा होंगे और समय कम होगा तो आगे फिजिकल प्लेटफॉर्म में क्या होता था कि 10-12 सवाल पूछे, 2-3 का जवाब दिया, बाकी छूट गए। अब इसमें क्या है कि जितने भी सवाल आते हैं, अगर किसी सेशन में मान लीजिए कि 40-45 सवाल आ गए बच्चों ने पूछे तो वो रिकॉर्ड रहेगा, तो जितने आंसर हो गए आंसर फिजिकली हो गए, जो नहीं हुए वो वर्चुअली फिर बाद में होते रहेंगे और जो हमारी वेबसाइट है उस पर आ जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। देश के स्कूल भी इसमें जुड़ रहे हैं बहुत, मतलब इसमें देखिए नहीं अभी तक हमारे पास 28,000 से 30,000 करीब तो हमारे पास एक्चुअल रजिस्ट्रेशन हैं और करीब 100 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस, और ये इंस्टीट्यूशंस हैदराबाद में हैं, इंस्टीट्यूशंस कलकत्ता में हैं, ये पंजाब में हैं, दिल्ली में हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इसमें जुड़ी हुई हैं, तो मेरा अपना मानना है जो हमारा टारगेट है कि कम से कम 1,00,000 लोग इस पर वर्चुअली जुड़ेंगे, क्योंकि अभी तो 2 दिन और हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और काफ़ी ज़्यादा आप सबके सहयोग से और ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होंगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग देख पाएंगे उतना ही बढ़िया होगा हमारे लिए। हाँ, वो जो ओपनिंग है वो दलाई लामा जी ने हमें मैसेज दिया है, उनका मैसेज अगर उन्होंने कहा था कि उनकी एज तो अब काफ़ी है, तो कह रहे थे अगर मैं खुद पढ़ सकूंगा तो खुद पढ़ूंगा, वरना उनके नुमाइंदे जो हैं वो मैसेज उनका पढ़ेंगे। वो फ्रांस के एम्बेसडर तो यहीं आएंगे, जो फ्रांस हमारा पार्टनर कंट्री है तो एम्बेसडर एडवर्ड लेनैन वो यहीं आएंगे, उनकी वार्तालाप होगी कि फ्रांस का भारत पे क्या इन्फ्लुएंस रहा। और एक और डिस्कशन जो उसमें हो रही है वो ये है कि जैसे पुर्तगाल और फ्रांस दो अपनी अपनी छोटी छोटी एन्क्लेव्स छोड़ गए, तो पुर्तगाल के साथ तो भारत को बहुत जद्दोजहद के बाद गोवा में 1961 के अंदर ही आ पाया, लेकिन फ्रांस में जैसे चंदन नगर था, पुडुचेरी थी, करायकाल था, ये सब का जो इंटीग्रेशन हुआ भारत के साथ बहुत ही, इसको कहा जा सकता है कि सरल तरीके से और बहुत ही फ्रेंडली तरीके से, उसके ऊपर भी एक चर्चा हम करेंगे कि फ्रांस के जो एरियाज़ थे वो कैसे भारत में इंटीग्रेट हुए, उसके ऊपर भी एक अच्छी महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी। एक और चर्चा जो होगी वो जो मैं कर रहा हूँ जो रिसर्च ये कि भारत में स्टेट्स का नक्शा कैसे बदला है। देखिए जब हम 1947 के भारत को देखते हैं, 1947 के भारत को नक्शे को देखते हैं और आज के नक्शे को देखते हैं तो हर स्टेट में चेंज आया, कोई ऐसी स्टेट नहीं है जिसका यहाँ तो नाम परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ उसका टेरिटरी परिवर्तन नहीं हुई, यहाँ उसके कैपिटल का नाम चेंज नहीं हुआ, तो हर एक जगह मतलब चाहे हम पंजाब की बात करें या यूपी की बात करें, उत्तराखंड तो नया ही बना हमारे सामने ही बना, या हम पूरे नॉर्थ ईस्ट का स्वरूप देखें जो पहले पूरा आसाम था अब उसमें 8 स्टेट्स आ गए,
जम्मू कश्मीर का मैप वो भी चेंज हो गया। तो एंडमान और निकोबार आइलैंड्स के अलावा भारत की कोई ऐसी यूनियन टेरिटरी या स्टेट नहीं है जिसका शेप या स्वरूप या उसका स्टेटस ना बदला हो। कोई पहले जो जैसे अब त्रिपुरा का एग्जांपल लें, त्रिपुरा पहले एक चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस थी, चीफ कमिश्नर प्रोविंस से फिर वो एक यूनियन टेरिटरी बनी, यूनियन टेरिटरी से फिर अब वो स्टेट बन गई। तो इस तरीके से हर एरिया, बंगाल का भी एरिया चेंज हुआ, बिहार का एरिया चेंज हुआ, ऐसी कोई स्टेट नहीं है देश में जिसका एरिया या नाम या स्टेटस में तब्दीली नहीं हुई। तो उसको ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। अब ये कुछ एक मज़ेदार सेशन हैं, ये तो एक लाइव सेशन होगा और बाकी सब जैसे जैसे चलेगा आप देखते रहेंगे। ठीक है, कलकत्ता में है, ये पंजाब में है, दिल्ली में है और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इसमें जुड़ी हुई हैं। तो मेरा अपना मानना है, जो हमारा टारगेट है कि कम से कम 100,000 लोग इस पर वर्चुअली जुड़ेंगे, क्योंकि अभी तो 2 दिन और हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और काफ़ी ज़्यादा आप सबके सहयोग से और ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होंगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग देख पाएंगे उतना ही बढ़िया होगा हमारे लिए। हाँ, वो जो ओपनिंग है वो दलाई लामा जी ने हमें मैसेज दिया है, उनका मैसेज, अगर उन्होंने कहा था कि उनकी एज तो अब काफ़ी है, तो कह रहे थे अगर मैं खुद पढ़ सकूँगा तो खुद पढ़ूँगा, वरना उनके नुमाइंदे जो हैं वो मैसेज उनका पढ़ेंगे। वो फ्रांस के एम्बेसडर तो यहीं आएंगे, जो फ्रांस हमारा पार्टनर कंट्री है, तो एम्बेसडर एडवर्ड लेनैन वो यहीं आएंगे, उनकी वार्तालाप होगी कि फ्रांस का भारत पे क्या इन्फ्लुएंस रहा। और एक और डिस्कशन जो उसमें हो रही है वो ये है कि जैसे पुर्तगाल और फ्रांस दो अपनी अपनी छोटी छोटी एन्क्लेव्स छोड़ गए, तो पुर्तगाल के साथ तो भारत को बहुत जद्दोजहद के बाद गोवा में एक 1961 के अंदर ही आ पाया, लेकिन फ्रांस में जैसे चंदननगर था, पुडुचेरी थी, करायकाल था, ये सब का जो इंटीग्रेशन हुआ भारत के साथ बहुत ही, इसको कहा जा सकता है कि सरल तरीके से और बहुत ही फ्रेंडली तरीके से। उसके ऊपर भी एक चर्चा हम करेंगे कि फ्रांस के जो एरियाज़ थे वो कैसे भारत में इंटीग्रेट हुए, उसके ऊपर भी एक अच्छी महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी। एक और चर्चा जो होगी, जो मैं कर रहा हूँ जो रिसर्च, ये कि भारत में स्टेट्स का नक्शा कैसे बदला। देखिए, जब हम 1947 के भारत को देखते हैं, 1947 के भारत को नक्शे को देखते हैं और आज के नक्शे को देखते हैं, तो हर स्टेट में चेंज आया। कोई ऐसी स्टेट नहीं है जिसका यहाँ तो नाम परिवर्तन नहीं हुआ, या उसका टेरिटरी परिवर्तन नहीं हुई, या उसके कैपिटल का नाम चेंज नहीं हुआ। तो हर एक जगह, मतलब चाहे हम पंजाब की बात करें या यूपी की बात करें, उत्तराखंड तो नया ही बना है, हमारे सामने ही बना है, या हम पूरे नॉर्थ ईस्ट का स्वरूप देखें, जो पहले पूरा आसाम था, अब उसमें 8 स्टेट्स आ गए, जम्मू कश्मीर का मैप वो भी चेंज हो गया। तो एंडमान और निकोबार आइलैंड्स के अलावा भारत की कोई ऐसी यूनियन टेरिटरी या स्टेट नहीं है जिसका शेप या स्वरूप या उसका स्टेटस ना बदला हो। कोई पहले जो जैसे अब त्रिपुरा का एग्जांपल लें, त्रिपुरा पहले एक चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस थी, चीफ कमिश्नर प्रोविंस से फिर वो एक यूनियन टेरिटरी बनी, यूनियन टेरिटरी से फिर अब वो स्टेट बन गई। तो इस तरीके से हर एरिया, बंगाल का भी एरिया चेंज हुआ, बिहार का एरिया चेंज हुआ, ऐसी कोई स्टेट नहीं है देश में जिसका एरिया या नाम या स्टेटस में तब्दीली नहीं हुई। तो उसको ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। अब ये कुछ एक मज़ेदार सेशन हैं, ये तो एक लाइव सेशन होगा और बाकी सब जैसे जैसे चलेगा आप देखते रहेंगे। थैंक यू। कलकत्ता में है, ये पंजाब में है, दिल्ली में है और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इसमें जुड़ी हुई हैं। तो मेरा अपना मानना है, जो हमारा टारगेट है कि कम से कम 100,000 लोग इस पर वर्चुअली जुड़ेंगे, क्योंकि अभी तो 2 दिन और हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और काफ़ी ज़्यादा आप सबके सहयोग से और ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होंगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग देख पाएंगे उतना ही बढ़िया होगा हमारे लिए। हाँ, वो जो ओपनिंग है वो दलाई लामा जी ने हमें मैसेज दिया है, उनका मैसेज, अगर उन्होंने कहा था कि उनकी एज तो अब काफ़ी है, तो कह रहे थे अगर मैं खुद पढ़ सकूँगा तो खुद पढ़ूँगा, वरना उनके नुमाइंदे जो हैं वो मैसेज उनका पढ़ेंगे। वो फ्रांस के एम्बेसडर तो यहीं आएंगे, जो फ्रांस हमारा पार्टनर कंट्री है, तो एम्बेसडर एडवर्ड लेनैन वो यहीं आएंगे, उनकी वार्तालाप होगी कि फ्रांस का भारत पे क्या इन्फ्लुएंस रहा। और एक और डिस्कशन जो उसमें हो रही है वो ये है कि जैसे पुर्तगाल और फ्रांस दो अपनी अपनी छोटी छोटी एन्क्लेव्स छोड़ गए, तो पुर्तगाल के साथ तो भारत को बहुत जद्दोजहद के बाद गोवा में एक 1961 के अंदर ही आ पाया, लेकिन फ्रांस में जैसे चंदननगर था, पुडुचेरी थी, करायकाल था, ये सब का जो इंटीग्रेशन हुआ भारत के साथ बहुत ही, इसको कहा जा सकता है कि सरल तरीके से और बहुत ही फ्रेंडली तरीके से। उसके ऊपर भी एक चर्चा
हम करेंगे कि फ्रांस के जो एरियाज़ थे वो कैसे भारत में इंटीग्रेट हुए, उसके ऊपर भी एक अच्छी महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी। एक और चर्चा जो होगी, जो मैं कर रहा हूँ जो रिसर्च, ये कि भारत में स्टेट्स का नक्शा कैसे बदला है। देखिए, जब हम 1947 के भारत को देखते हैं, 1947 के भारत को नक्शे को देखते हैं और आज के नक्शे को देखते हैं, तो हर स्टेट में चेंज आया। कोई ऐसी स्टेट नहीं है जिसका यहाँ तो नाम परिवर्तन नहीं हुआ, या उसका टेरिटरी परिवर्तन नहीं हुई, या उसके कैपिटल का नाम चेंज नहीं हुआ। तो हर एक जगह, मतलब चाहे हम पंजाब की बात करें या यूपी की बात करें, उत्तराखंड तो नया ही बना, हमारे सामने ही बना, या हम पूरे नॉर्थ ईस्ट का स्वरूप देखें, जो पहले पूरा आसाम था, अब उसमें 8 स्टेट्स आ गए। जम्मू कश्मीर का मैप, वो भी चेंज हो गया। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के अलावा भारत की कोई ऐसी यूनियन टेरिटरी या स्टेट नहीं है जिसका शेप या स्वरूप या उसका स्टेटस ना बदला हो। कोई पहले जो, जैसे अब त्रिपुरा का एग्जांपल लें, त्रिपुरा पहले एक चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस थी, चीफ कमिश्नर प्रोविंस से फिर वो एक यूनियन टेरिटरी बनी, यूनियन टेरिटरी से फिर अब वो स्टेट बन गई। तो इस तरीके से हर एरिया, बंगाल का भी एरिया चेंज हुआ, बिहार का एरिया चेंज हुआ, ऐसी कोई स्टेट नहीं है देश में जिसका एरिया या नाम या स्टेटस में तब्दीली नहीं हुई। तो उसको ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। अब ये कुछ एक मज़ेदार सेशन हैं, ये तो एक लाइव सेशन होगा और बाकी सब जैसे जैसे चलेगा आप देखते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।